हे हाई एवरी वन माई नेम इज़ सुमित्ड आई वेलकम यू ऑल टू द सिवल्स क्लब सो ये देखिए हमारा जो इन शॉर्ट सीरीज़ है राइट right? ये इसको हम आज से दोबारा कंटिन्यू करेंगे राइट right? थोड़ा सा आई वॉज ऑक्यूपाइड इन टू द क्लासेस ठीक है जस्ट एक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ डू लाइक इफ़ यू आर रेगुलरली वॉचिंग क्योंकि फिर यार एक लगता है कि हाँ लोग देख रहे तो वी शुड बी अपलोडिंग दिस ठीक है एंड ऑल्सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये तो क्या होता है कि मतलब अपलोड भी करो एंड कोई देखे नहीं तो फिर ना एक 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 इंसेंटिव नहीं रहता और फिर लगता है यार टाइम वेस्ट ही है आप समझो ठीक है तो इफ़ यू आर लाइकिंग इफ यू इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू कंटिन्यू तो जस्ट प्लीज़ लाइक दिस एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स ठीक है और अगर अच्छा हो तभी आप वो करें ठीक है आई एम पीडी श्योर दे वुड ऑल्सो लाइक इट एंड दे वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट चलिए तो लेट स्टार्ट विथ द रेड सी पहला हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो रेड सी है तो अभी रेड सी में देखिए क्या हुआ था दैट रेड सी में जो एक अटैक हुआ है ऑन द शिप ठीक है राइट विच वर कैरिंग सम इंडियन मैन ऑल्सो तो उस कॉन्टेक्स में ये न्यूज़ में आया वो सब तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट रेड सी के देखिए बॉर्डर कंट्रीज से पूछा जा चुका है पहले भी क्वेश्चन एंड इसका जो मेमोनिक है वो देसी मेमोनिक डी डबल ई डबल एस वाई अब डी इज़ फॉर जिबूती राइट यू ऑल नो दिस ठीक है अब यहाँ जो फंसेगा ना डबल ई में फंसेगा बहुत सारे लोग ना इथोपिया लगा देते इथोपिया नहीं है इसका दैट इज एयर एग एयर इज़ फॉर इडिटिया एग इज फॉर इजिप्ट ठीक है फिर एस एस अब यहां लोग ना सोमालिया लगा देते सोमालिया भी नहीं है इट्स सासू यानी आपका सूदान ठीक है वन ए सुदान अब सा से आपको मुझे बताना है कौन सी कंट्री है चलो मैं देखता हूं हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस ठीक है हिंट मैंने दे दिया सोमालिया नहीं है बिकॉज है तो सोमालिया नहीं है और या वाई से तो बहुत सिंपल है यमेन, एक ही कंट्री है आपकी वेस्ट एशिया में अब सा से बता दो कौन सी कंट्री है भाई अगर इतना तो आप बता ही सकते हो कि कौन सी एक बेसिक कंट्री है सा से ठीक है राइट इन द वेस्ट एशिया ठीक है एक ही कंट्री है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है प्रोजेक्ट प्रयास के बारे में तो अब ये देखो ये जो प्रोजेक्ट प्रयास है ये बेसिकली है किसके लिए सो दिस इज़ फॉर फैसिलिटेटिंग यू कैन से द सेफ रेगुलर माइग्रेशन ठीक है फॉर द इंडियन वर्कर्स ठीक है एंड ये लॉन्च किसके द्वारा किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इन्होंने मिलकर साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एक ये इंडिया का थिंक टैंक है इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया है एंड मकसद यही है कि भैया आपकी जो जो माइग्रेशन वगैरह होगा उसका सेफ रेगुलर माइग्रेशन चलेगी ठीक है फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी कुछ सेफ माइग्रेशन की बात करी गई है द आंसर इज यस एंड कौन सा गोल है तो इट इज़ टेन पॉइंट सेवन ठीक है इट टॉक्स अबाउट सेफ माइग्रेशन ठीक है ये ध्यान रखिएगा टेन पॉइंट सेवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेक्स्ट बात करते हैं देखिए सिस्टर सिटी अग्रीमेंट्स के बारे में तो अभी सिस्टर सिटी अग्रमेंट साइन हुए किसके बीच में इंडिया नेपाल के बीच में कौन से दो तो शहरों के बीच में तो जनकपुर एंड अयोध्या जनकपुर द बर्थ प्लेस ऑफ सीता जी एंड अयोध्या द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम ठीक है एंड इस सिस्टर सिटी अग्रीमेंट में देखिए क्या होता है वही लॉन्ग टर्म कल्चरल कोलेब्रेशन होगा ठीक है आपका पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाए जाएंगे यही सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे ठीक है व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म कल्चरल कोलेब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर सिटी अग्रीमेंट ठीक है सिमिलरली ट्विन सिटी अग्रीमेंट भी होता है वो आपका इकोनॉमिक टाइज वगैरह बढ़ाने के लिए होता है ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा तो इंडिया नेपाल के बीच में ध्यान रखेगा ठीक है एंड मेन्स में ये कोट कर सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं पैंटोइया टेगोराए टैगोरी ये क्या है ये कुछ नहीं एक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया है जो वहां बंगाल साइड में मिला है एंड इट इज़ अ बेसिकली अ पॉजिटिव रोल प्लेइंग बैक्टीरिया ठीक है एंड इसका नाम ऑब्वियसली बात है रविन्द्र टैगोर जी के नेम पे रखा गया है ठीक है प्लीज रिमेंबर दिस दैट रवीन्द्र टैगोर जी ही गेव अप हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलिया वाला बाग मैसे ठीक है तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि हु गेव ऑफ द नाइट हुड तो इट वॉज रविंद्रनाथ टेगोर जी एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल पीस प्राइज हैज वेल ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं एमएसएमई गिफ्ट स्कीम के बारे में तो ये कुछ नहीं है दिस इज फॉर हेल्पिंग द एम एस एम ई टू अडॉप्ट अ ग्रीन टेक्नोलॉजी ठीक है एंड किसके द्वारा लाई गई है सिड द्वारा लाई गई है ठीक है सिमिलरली एक और स्कीम है एमएसएमई स्पाइस स्कीम तो दिस इज फॉर प्रमोटिंग द सर्कुलर विद इन द एम एस एम ई ठीक है एंड इसमें बहुत सारा उनको क्रेडिट पे सब्सिडी वगैरह दी जाएगी ठीक है ये भी सिडबी द्वारा लाई गई है ठीक है ऑब्जेक्टिव वही है कि भैया भारत ने जो कहा है कि भैया नेट ने ने जीरो हम लोग ट्वेंटी सेवेंटी तक करेंगे उसको हेल्प करेंगे ठीक है प्लीज़ रिमेंबर दिस ठीक है सर्कुलर इकनॉमी प्रमोट करने के लिए ठीक है गिफ्ट तो जी टी टेक ग्रीन टेक के लिए जी फॉर गिफ्ट जी फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी ठीक है स्पाइस इज़ फॉर सर्कुलर इकनॉमी प्रमोशन ठीक है क्रेडिट वगैरह ठीक है एंड एक और आती है एम एस एम ई डी आर दिस इज़ फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफ़ द एम एस एम ई ठीक है तो ये तीन सब स्कीम है अब ये तीन सब स्कीम किसके अंदर है रैंप प्रोग्राम के अंदर है ठीक है रैंप इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग द एम एस एम ई परफॉर्मेंस ठीक है एंड ये आपकी एक ब्रॉड जो स्कीम है ठीक है दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड वैसे एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है प्लीज नोट इट्स अ सेंट्रल सेक्टर नॉट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ठीक है तो ये सारी स्कीम इस रैंप जो मेगा स्कीम है इसके अंदर तीन सब स्कीम्स लॉन्च करी है गिफ्ट स्पाइस एंड ओडीआर ठीक है आई होप ये आपको याद रहेगा ठीक है राइट मेन्स में कोट कर सकते हैं प्लस प्री में भी एक अब अब इस टाइप का मेट्रिक्स मैच पूछा जा सकता है ठीक है ऑल राइट नेक्स्ट बात करते हैं कुछ खेल अवार्ड्स के बारे में तो अभी रिसेंटली कुछ कुछ सरकार ने खेल अवार्ड्स दिए हैं तो देखते हैं खेल खेल अवार्ड्स के बारे में आपको यहां पे पता होना चाहिए छह खेल अवार्ड्स सबसे पहला आता है मेजर ध्यानचंद ठीक है खेल रत्न अवार्ड अब ये बिल्कुल हाईएस्ट अवार्ड होता है खेल रत्न आप ऐसे देख सकते हो ठीक है इट इज गिवन फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर ठीक है ये ध्यान रखना पीरियस प्रीवियस फोर ईयर में दिया था नेक्स्ट आता अर्जुन अवार्ड अब अर्जुन अवार्ड क्या है तो अर्जुन अवार्ड इज फॉर गुड परफॉर्मेंस ठीक है इन द प्रीवियस फोर ईयर प्लस इफ यू हैव ऑल्सो शोन सम काइंड ऑफ लीडरशिप स्किल्स स्पोर्ट्समैन डिसिप्लिन ये सब स्पोर्ट्समैनशिप दिखाइए तो आपको मिलेगा ठीक है तो एक है ध्यानचंद खेल रत्न एक है अर्जुन अवार्ड अब द्रोना द्रोनाचार्य अवार्ड क्या ये तो ऑब्वियसली बात है स्पेक्टेकुलर कोच को दिया जाएगा क्योंकि द्रोना वॉज द कोच ठीक है ऑफ वॉट ऑफ आपके जो पांडव थे ठीक है उनको उनको उनके स्कूल के टीचर थे राइट देन उसके बाद क्या है ध्यानचंद अवार्ड अब ध्यानचंद अवार्ड किस लिए दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिस इज फॉर एनी स्पोर्ट्स मैन हु कंटिन्यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इवन आफ्टर रिटायरमेंट ठीक है तो ये ध्यान रखना तो एक है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला तो ये ध्यान रखना कि भैया आप रिटायर हो गए हो बट आप आगे भी अपनी लाइफ में योर कॉन्ट्रीब्यूटिंग तो लेट मी अप्रिशिएट यू ठीक है एक आता है फिर नेक्स्ट आता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये क्या होती है माका ट्रॉफी तो माका ट्रॉफी इज फॉर टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज इन द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ठीक है तो माका माका ट्रॉफी याद रखना माका इज यूनिवर्सिटी ठीक एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सिक्स अवार्डेज के अंदर दिया आता है दैट इज राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अब प्रोहोत्साहन किसको किया जाता or है प्रोहत्साहन इज़ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंडिविजुअल ठीक है जिन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है फॉर इंकरेजिंग यू कैन से स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है ठीक है तो खेल को प्रोत्साहन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लटर से कोई स्टेडियम बनवा दिया कुछ भी बच्चों को किट बांट दिया कुछ भी आई एम जस्ट टेलिंग यू ठीक है तो ऐसे लोगों को हम देते हैं ठीक है तो ये छः अवार्ड है अगर आपको पता होना चाहिए भाई ये इसी साल 2023 में प्री में पूछे गए थे ठीक है ये याद रखना राइट right? एंड वो मैंने तो खैर नहीं करा था बट नाउ प्लीज़ गो एंड सॉल्व दैट यू पी एस का ट्वेंटी का प्रलिम का क्वेश्चन एंड प्लीज़ टेल मी क्या आपसे वो हो पाया है नहीं आफ्टर दिस डिस्कशन ठीक है ऑल राइट नेक्स्ट बात करते हैं द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग द पासपोर्ट कौन सी थी यूनाइटेड किंगडम ठीक है इन 1914 प्लीज़ रिमेंबर ठीक है ब्रिटेन लेके आया था अच्छा मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक मूवी आई थी ढूंकी ढुमकी राइट वो डोंकी से इंस्पायर्ड थी वो बेसिकली टॉक्स अबाउट ठीक है इलीगल इलीगल जो ये इमिग्रेशन माइग्रेशन और ये सब चीज़ें होती है ना ठीक है तो इसके अगेन इसकी जो प्लाइट है वो हाईलाइट करती है तो याद रखना मूवी ढुमकी ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना एक सर ऐसी मूवी वूवी भी क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल भाई बिल्कुल दो में मूवी भी पूछी गई है ठीक है बट येस अभी हम बात करेंगे कौन सी मूवी थी आगे आज ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं देखिए वीर शेवाइट्स के बारे में तो वीर शेवाइट्स एक सेक्ट है आपका शे, शेविज्म के अंदर ही एक सब सेक्ट आता है ठीक है एंड ये बिलीव करते हैं दैट दे आर बॉर्न आउट ऑफ द शिवाज लिंगा ठीक है एंड शिव को ये एज अ गॉड ट्रीट करते हैं एंड एक फॉर्म ऑफ वेदास ट्रीट करते हैं ठीक है थेके? इसका मतलब दे बिलीव इन द कास्ट सिस्टम दे बिलीव इन वेदास दे बिलीव इन टेम्पल्स प्रीस्ट ठीक है एंड इसीलिए जो लिंगायत हैं ठीक है उनसे ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं ठीक है क्यों क्योंकि जो लिंगायत आपके होते हैं ठीक है दे आर द फॉलोअर्स ऑफ रिफॉर्मर्स ऑफ बासवाना ठीक है वो भी देखिए शिव को मानते हैं लॉर्ड शिवा को बट एज अ फॉर्मलेस एंटिटी दे डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम दे डोंट बिलीव इन टेम्पल वर्शिप दे बिलीव इन आपको कि हर एक के पास आपकी प्रॉपर फुल फ्रीडम है ठीक है टू वर्शिप शिवा ठीक है एंड इसीलिए क्या है ये कोई भी रिचुअल्स वगैरह इन सब में भी बिलीव नहीं करते इनका मानना है कि भैया आफ्टर द डेथ वन यूनाइट्स विथ शिवा तो कोई पोस्ट डेथ आपको आ, कोई भी रिचुअल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है एंड ये स्टार्ट किया गया था बाय बासवाना जी ठीक है इन द ट्वेल्थ सेंचुरी कर्नाटका ठीक है तो लिंगायत एंड आपके जो यहाँ पे वीर शेवाइट्स हैं ठीक है थीक? इनके फीचर्स को ध्यान रखना भाई ठीक है ऐसे अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रख सकते हैं वी फॉर वीर शिवाइट्स ठीक है वी फॉर वेदास तो हाँ भाई वीर शिवाइट्स वेदास को मानते हैं और ऑब्वियसली बात है वो कास्ट सिस्टम को भी मानेंगे प्रीस को भी मानेंगे रिचुअल्स को भी मानेंगे और वही सारी चीज़ें ठीक है तो कभी भूल जाओ तो याद रखना और लिंगायत दे डोंट दे डोंट बिलीव इन ऑल दीज रिचुअल्स वगैरह ठीक है बट देखो प्री में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखिए इनका जन्मदिन होता है ट्वेंटी दिसंबर क्रिसमस वाले दिन ठीक है गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी इनके डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है airport, बैंगलोर का इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट प्लीज़ वहाँ जऊ जाइएगा ठीक है एंड इसने अभी यूनेस्को का एक ट्रिक्स वर्सेलीज अवार्ड जीता है तो विच एयरपोर्ट हैज वन दिस प्लीज़ रिमेंबर कैंपगोड़ा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंगलोर में बस ठीक है और कैंपगोड़ा कौन थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ़ बंगलोर ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे कब बनाया जाता है बाईस दिसंबर को रामानुजम जी का उस दिन हैप्पी बर्थडे होता है ठीक है एंड रामानुजन जी के लाइफ पे एक मूवी बनी है द मैन हु न्यू इन्फिनीटी ये यूपीएससी 2017 का सवाल है ठीक है राइट तो दैट इज़ वाई आई सेट जो ढूंढकी मूवी है वो पता होनी चाहिए ठीक है अब हर मूवी भी नहीं पता होनी चाहिए ठीक है कि अब सर इस नाम पे हर मूवी देख रहे हैं ठीक है कि भैया वो पता चले वहाँ पे कोई और मूवी देख रहे कि हाँ ना ना सर इस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है सोशल इश्यूज पे मूवी देखना यह फायदेमंद होता है ठीक है नॉट कोई और आपकी जो टाइप की मूवी आती है ठीक है राइट right. और तो रामानुजा नंबर भी ध्यान रखना सेवनटीन ठीक है रामानुजा नंबर है ये पूछा जा सकता है एंड इस नंबर की खास बात क्या है कि ये रामानुजन जी का एक ऐसा नंबर इन्होंने ढूंढा है कि इट इज द ओनली नंबर जो दो डिफरेंट नंबर्स के क्यूब्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है और वो आपके सामने देखा है वन क्यूब प्लस ट्वेल्व क्यूब इज़ ऑल्सो वन सेवन टू नाइन नाइन क्यूब प्लस टेन क्यूब इज़ ऑल्सो वन सेवन टू नाइन ठीक है तो ये ध्यान रखना इनकी लाइफ पे जो मूवी भी बनी है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी ठीक है सो प्लीज़ गो एंड लाइक दिस वीडियो राइट अगर आपको पसंद आ रहा है ताकि मैं ये रेगुलरली कंटिन्यू करूँ ठीक है एंड डोंट वरी अगर ये सपोर्ट आते रहा तो पूरा का पूरा ये कवर होगा करंट अफेयर्स मैं बता चुका हूँ बहुत ही क्विक टू द पॉइंट आपको मैं टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ चलिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ बाय बाय